हम जब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा करते हैं तो बिना ब्लूम टैक्सोनॉमी की चर्चा के वो पूरा हो नहीं सकता। तो मैं थोड़ी सी चर्चा ब्लूम की अर्लियर टैक्सोनॉमी और रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी की करूंगा कि पहले क्या टैक्सोनॉमी थी, उसमें किस तरह से ऑब्जेक्टिव बनते थे, अब क्या टैक्सोनॉमी है, अब कैसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जिससे कि आप इसको बेहतर ढंग से थोड़ा और समझ पाए। बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में अपनी टैक्सोनॉमी प्रपोज की और उन्होंने तीन तरह के डोमेन्स की बात की। बट अगर आप ब्लूम की ओरिजिनल टैक्सोनॉमी देखेंगे तो वहां उन्होंने बेसिकली कॉग्निटिव स्किल्स को हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज किया, मानसिक कौशलों को एक हायरार्की में अरेंज किया कि पहले क्या अचीव होगा, फिर क्या अचीव होगा, फिर क्या अचीव होगा। और ब्लूम तो यहां तक कहते थे, इतने ट्रेडिशनलिस्ट थे, कि विदाउट अचीविंग वन लेवल वन हायरार्की यू कैन नॉट जंप टू द अनदर हायरार्की। तीन डोमेन्स है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। बट जैसा मैंने कहा कि ब्लूम की ओरिजिनल टैक्सोनॉमी में केवल कॉग्निटिव डोमेन के हायरार्किकल ऑर्डर की बात है, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की हायरार्कीज को बाद में, खासतौर पर अफेक्टिव डोमेन को ग्रंथवाल ने एक्सपेंड किया और साइकोमोटर डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स को तीन लोगों ने एक्सपेंड किया, जिसमें हैरो का है, टेप का है, सिम्पसन का है। तीन डोमेन्स, जैसा कि मैंने कहा तीन डोमेन है। पहला डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन। मैं यहां पर लाना चाहता हूं महात्मा गांधी को, जो शायद जब ब्लूम टैक्सोनॉमी आई उससे पहले अपने देह को त्याग चुके थे। इसका मतलब गांधी ने जब अपने एजुकेशनल आइडियाज दिए थे तो उस समय ब्लूम के आइडिया एग्जिस्ट नहीं करते थे। व्हाई आई एम पुटिंग गांधी जी हियर, बिकॉज वी ऑलवेज यू नो वेरी मच फैसिनेटेड अबाउट द वेस्टर्न वर्ल्ड और वॉट एवर इज देयर इन द इंटरनेशनल बुक्स, ओनली दैट इज एक्सेप्टेबल टू अस। सो व्हाई आई एम पुटिंग हियर, बिकॉज इफ यू रिकॉल गांधी जी बेसिक एजुकेशन पॉलिसी, he was talking about that the aim of education should be development of 3H. He talked about 3R also, reading, writing and arithmetic, but he also talked about 3H. What was the H? Head, mastishka vikas. So the cognitive domain of Bloom is basically the Gandhiji's first H, that is the development of head. It means the development of thinking abilities, where thinking process is involved, that comes in cognitive domain. Let's see the second domain of Bloom's taxonomy. The second domain of Bloom's taxonomy is affective domain. Again, you recall Gandhiji and his second H was heart, feeling, emotion. So what Gandhiji was saying, that education should not only develop the mental abilities, but it also develop the feeling and the emotion, the heart of the individual. So same thing Bloom is saying, affective domain. So Gandhiji's second H is Bloom's affective domain. I'm not saying that Bloom has taken the idea from Gandhi or like that, but I'm just putting two educationists, one from Indian perspective and one from Western perspective, together so that you can develop an analogy that all were talking the same at different places in different times. The third domain of Bloom taxonomy is psychomotor. Manogatyatmak vikas. Cognitive ko kehte hain sangyanatmak vikas. अफेक्टिव को कहते हैं भावनात्मक पक्ष और साइकोमोटर को कहते हैं मनोगत्यात्मक। तो गांधी जी की 3H हेड, हार्ट के साथ क्या जुड़ा था, याद करिए उनका H हैंड था। हैंड अर्थात डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स बाय डूइंग समथिंग। सो व्हाट साइकोमोटर डोमेन ऑफ ब्लूम इज सेइंग, द थर्ड H ऑफ गांधी जी वॉज सेइंग सेम, दैट वी शुड डेवलप द स्किल्स, द लर्नर शुड डू समथिंग। So you can create analogy to understand and to remember these three terms, cognitive, affective and psychomotor, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम। और संज्ञानात्मक आयाम को हम कह सकते हैं मानसिक कौशलों का विकास, चिंतन कौशल का विकास, बुद्धि का विकास। अफेक्टिव डोमेन को हम कह सकते हैं हृदय का विकास, भावनाओं का विकास, इमोशंस का, संवेगों का विकास। और साइकोमोटर को हम कह सकते हैं हस्त कौशलों का विकास, कौशलों का विकास और डूइंग सम। सो आई थिंक दिस एनालॉगी विल हेल्प यू टू रिमेंबर ऑल थ्री डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन योर फ्यूचर। लेट अस मूव टू द फर्स्ट वन। इन द ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम टॉक अबाउट द सिक्स डायमेंशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, दिस कॉग्निटिव डोमेन हेड और थिंक विच आई हैव रिटन। और उन्होंने इसके छह डायमेंशन की बात की, जिसमें पहला डायमेंशन था नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान के अंतर्गत वो ये मानते थे
कि यदि एक विद्यार्थी बताए गए प्रत्ययों, शब्दों, विचारों, प्रक्रियाओं, सिद्धांतों को केवल मेमोराइज कर सकता है या याद कर सकता है या उसे कुछ बताया गया उसको वो पहचान सकता है, जैसे आपने एक प्रश्न यही बनाया कि ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी कब दी, और उत्तर में यदि आपने ऑप्शन दे दिया 1940, 1950, 1956, 1960 और विद्यार्थी ने टिक कर दिया 1956, इट मींस द स्टूडेंट इज एबल टू रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर मेमोरी फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो दिस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। और कई बार हम फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन देते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम डैश वर्ष में हुआ, वी डोंट गिव ऑप्शन। देन द लर्नर नीड टू रिकॉल फ्रॉम हिज मेमोरी दैट यस इट हैपेंड इन 1857। सो इफ ही और शी इज एबल टू राइट 1857 इन द ब्लैंक, देन यू कैन से दैट यू हैव मेड अ क्वेश्चन ऑफ नॉलेज लेवल। सो रिकॉल एंड रिकॉग्निशन इज द मेन domains under knowledge criteria. The second level of Bloom's taxonomy is comprehension. Both knowledge को ज्ञान कहते हैं, comprehension को बोध कहते हैं। Bloom ये मानते थे कि पहले हमें किसी चीज का ज्ञान होता है, हम किसी चीज को memorize करते हैं, किसी चीज को देखते हैं, फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो समझ और बोध जो है वो knowledge से next level का objective है। तो कहते थे कि यदि कोई किसी चीज को ट्रांसलेट कर पा रहा है, इंटरप्रेट कर पा रहा है, किसी परिस्थिति की समझ विकसित कर पा रहा है, इट्स काइंड ऑफ लिटरल ट्रांसलेशन, नॉट अ सोलफुल ट्रांसलेशन और यू कैन से पैराफ्रेजिंग टाइप ट्रांसलेशन, बट अ सिंपल लिटरल ट्रांसलेशन। सो इफ समवन इज एबल टू डू इट देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। देन थर्ड वॉज द एप्लीकेशन। कोई सिद्धांत हमने बताया, कोई नियम हमने बताया, हमने बताया एक सम संख्या को दूसरी सम संख्या से जोड़ने पर उत्तर सम संख्या आएगी, हमने बताया कि किसी भी सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ने पर उत्तर हमेशा विषम संख्या आएगी, हमने बताया कि दो समान संख्याओं अर्थात दो सम या दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर हमेशा सम संख्या आएगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये पहले तो बच्चों ने याद कर लिया, फिर इन्हें समझ लिया। और यदि हमने बच्चों को सवाल दिया 4+3=what, और हमने ये नहीं पूछा कि व्हाट शुड बी द आंसर, हमने ये पूछा कि वेदर द आंसर शुड बी अ इवन नंबर और अ ऑड नंबर। सो इफ लर्नर इज एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट विच ही और शी हैज कॉम्प्रिहेंडेड दैट द एडिशन ऑफ वन ऑड विद वन इवन इज ऑलवेज ऑड, देन ही और शी कैन आंसर दैट यस द आंसर विल बी एन ऑड नंबर। सो दिस इज कॉल्ड द एप्लीकेशन लेवल ऑब्जेक्टिव। दीज आर थ्री लोअर लेवल ऑब्जेक्टिव्स। देन इन ब्लूम टैक्सोनॉमी थ्री हायर लेवल्स आर देयर। वन इज कॉल्ड एनालिसिस। किसी भी परिस्थिति को, स्थिति को, घटना को, सूचना को, प्रयोग को, अनुभव को छोटे छोटे टुकड़ों में, एलिमेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड करने की योग्यता। इफ अ लर्नर इज एबल टू एनालाइज समथिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ही और शी इज एबल टू ब्रेक डाउन, देन दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एंड द अपोजिट टू इज सिंथेसिस। So if a learner is able to link the small elements and parts to make a meaningful whole, यदि छोटे छोटे खंडों या हिस्सों को जोड़कर कोई अर्थपूर्ण संपूर्ण बना सकता है, putting together to the element and parts so that it form a whole, so that is called synthesis. तो कई बार हमें analysis करानी पड़ती है, कई बार synthesis करानी पड़ती है, especially science में, social science में, mathematics में higher order level के objectives की जरूरत पड़ती है। Then comes the evaluation, मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे उच्च स्तर है cognitive domain में, जो basically जिसके बारे में कहा जाता है कि it engenders the judgment about the value of material and method for given purpose. जब हम किसी विधि का, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करते हैं, judgment करते हैं, decide करते हैं किसी के बारे में, either we pass or fail, either we accept or reject, so if we are doing that type of things, then we call we are doing the evaluation of the event or thing. Let us go quickly the sample verbs which we use for each type of objectives. The first level is knowledge. So if someone is able to recall a definition, then we can say the students will be able to define, the students will be able to identify, the students will be able to list, the students will be able to match,
the students will be able to name, the students will be able to recall, the students will be able to record, the students will be able to repeat, the students will be able to select. इस तरह की भाषा लिखते हैं ना, विद्यार्थी डैश 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 को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी डैश 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 की पहचान कर सकेंगे, विद्यार्थी डैश 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 की सूची बना सकेंगे, विद्यार्थी डैश 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 में मिलान कर सकेंगे, विद्यार्थी इसको पहचान सकेंगे, विद्यार्थी इसको नोट कर सकेंगे, विद्यार्थी इसको दोहरा सकेंगे, विद्यार्थी इसके बारे में बता सकेंगे. सो कि उद्देश्यों में हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो यही होती है कि उद्देश्यों की भाषा कैसे लिखें. विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि वो नॉलेज डायमेंशन में क्या लिखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन डायमेंशन में क्या लिखेंगे. ये जो सैंपल वर्ब्स यहां मैंने चार्ट में आपको लिखी हैं, ये सैंपल वर्ब आपकी काफी मदद करती हैं. जैसे कॉम्प्रिहेंशन में देखिए, क्लासिफाई, कंपाइल, कंक्लूड, डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन. एप्लीकेशन में देखिए, अप्लाई, कैलकुलेट, डिमॉन्स्ट्रेट, डेवलप. तो हर लेवल के लिए कुछ एक्शन वर्ब सुझाई गई. यदि हम इन एक्शन वर्ब्स को ध्यान में रखें तो हम बहुत अच्छी तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम कर सकते हैं. हम अपने विषय के अनुसार, अपनी विषय वस्तु के अनुसार, कितनी विषय वस्तु विद्यार्थी को पढ़ानी है, विषय वस्तु का स्वरूप क्या है, विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर उपयुक्त एक्शन वर्ब, उपयुक्त क्रियात्मक वर्ब चुनकर के हम जो है इसको कर सकते हैं. तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन. यहां पर एक और चैलेंजिंग इशू है, वो ये है कि कई बार हम ऑब्जेक्टिव्स की भाषा ऐसी लिख देते हैं जो अचीवेबल नहीं होती. मैंने शुरू में बताया था, द ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल. अब हमने मान लीजिए लिख दिया, द स्टूडेंट विल डेवलप अ बिलीव. अरे वो बिलीव उनमें डेवलप हो गई, हम उनकी बिलीव टेस्ट कैसे करेंगे? द स्टूडेंट विल सेल्फ एक्चुअलाइज समथिंग. अगर वो किसी चीज को सेल्फ एक्चुअलाइज कर लेंगे, हमें कैसे पता लगेगा? द स्टूडेंट्स नो, हम कहते हैं विद्यार्थी अमुक व्यक्ति जान सकेंगे. अरे भाई विद्यार्थियों ने जान लिया, हमें क्या पता उन्होंने जाना कि नहीं जाना. हमें तो तब पता लगेगा जब विद्यार्थी लिख सकेंगे, विद्यार्थी बता सकेंगे, विद्यार्थी अंतर कर सकेंगे. तो जान सकेंगे, समझ सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट शब्द. हमें अपने उद्देश्यों में ऐसी भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी क्रियात्मक जो क्रियाएं हैं, ऐसी जो एक्शन वर्ब्स हैं, वो मेजरेबल वर्ब्स नहीं, उनका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते. तो ये एक चार्ट है. जैसे हम कल लिख देते हैं, दे विल बी एबल टू फील, दे विल डेवलप अ फीलिंग, दे विल लिसन प्रॉपरली. आई डोंट नो वेदर दे आर लिसनिंग और नॉट. हाउ कैन आई टेस्ट दैट वेदर दे हैव लिसन इट प्रॉपरली और नॉट? इट मीन्स वी विल आस्क सर्टन क्वेश्चंस. सो बेटर वी कैन राइट दैट दे विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन ऑन सो एंड सो. हमने लिखा दे विल बी एबल टू मेमोराइज. अरे भाई उन्हें याद हुआ कि नहीं हुआ, हमें कैसे परीक्षण पता लगेगा? If they are able to recognize from the given options, then I can know that yes, they are memorizing the thing. तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है और कौन सी वर्ब का प्रयोग नहीं करना है. अक्सर हम उद्देश्य लिखते समय ऐसी वर्ब्स का, ऐसी एक्शन वर्ब्स का प्रयोग कर लेते हैं जो मेजरेबल नहीं होती. हमें अपने एक्शन वर्ब्स ऐसे रखने चाहिए जो मेजरेबल हों.